सो हे गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 फीट 3 इंच बाय 42 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। और ये हाउस प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। देखो, हर एक यंगस्टर्स का सपना होता है कि उसका एक ड्रीम हाउस हो जिस पे वो दिन रात काम करता है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ताकि उसकी फैमिली अच्छे से रह सके। तो मैं आपके उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू। जो भाई एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट का चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इन वीडियोस के थ्रू बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं एक बात कहूँगा कि मेरे 98% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हाउस प्लान और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविल इंजीनियर भाई हॉट, ताकि आपको आगे भी ऐसी और वीडियोस मिल सके। तो भाई लोग, अपना ये प्लान बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, उसके बाद से घर के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ से स्टेयर अप। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे स्टेयर केस का प्रोविज़न किया है, जिसका साइज़ मैंने रखा है 6 फीट वाइड एंड 12 फीट ऐसे रखा है मैंने, इसका साइज 12 फीट ऐसे रखा है। उसके बाद से यहाँ पे मेन डोर अपना रख सकते हो, मैंने मेन डोर यहीं पे रखा है, आप अपने हिसाब से रखो अगर आपको कुछ कोई बढ़िया आइडिया आता है तो। उसके बाद से अपना ये ड्राइंग एरिया, जिसका साइज मैंने रखा है 12 फीट बाय 8 फीट 6 इंच का। उसके बाद से यहाँ पे डोर एंड उसके बाद से यहाँ पे डोर और यहाँ पे डोर एंड ये अपना बेडरूम कॉम शॉप, आप इसको शॉप में भी बदल सकते हो। इसका साइज मैंने रखा है 14 फीट 4 इंच बाय 14 फीट 4 इंच का, बस आपको आगे रोलिंग शटर लगाना पड़ेगा। उसके बाद से अपना ये डाइनिंग एरिया, काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया रखा है मैंने, 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 9 इंच का ये आपका डाइनिंग एरिया रखा है मैंने। उसके बाद से यहाँ पे डोर एंड दिस इज़ आवर किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 7 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का। उसके बाद से यहाँ पे डोर एंड ये अपना कॉमन बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 7 फीट बाय 7 फीट का, काफ़ी बड़ा ये आपका कॉमन बाथ कम लेटरिन का प्रोविज़न किया है। एंड उसके बाद से अपना ये वरांडा पीछे रखा है मैंने, इसका साइज मैंने रखा है 7 फीट बाय 10 फीट 4 इंच का। और ये है हमारा अटैच्ड बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा 5 फीट बाय 7 फीट का। एंड दिस इज़ आवर मास्टर बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 12 फीट बाय 16 फीट 4 इंच का, काफ़ी बड़ा ये बेडरूम है। इसमें आप यहाँ पे डोर रखो और ये मैंने शो कर दिया है वेंटिलेशन डोर विंडो, वी माने वेंटिलेशन, डब्ल्यू माने विंडो, डी माने डोर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसका आंसर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद से ये देखो आपका कॉलम साइज, इसमें आपको रखना है 10x12 इंच का, 60mm का टोर आपको 4 यूज़ करना है। उसके बाद से वेंटिलेशन साइज 2x1 का एंड विंडो साइज 3x4, 3x5, 4x5 जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। एंड डोर साइज 3x6x7 का रखो। एंड बाथरूम एंड किचन का डोर साइज आपको रखना है 2x6x7 का। बाकी ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियोस आपको मिल सके।